वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूँ आप लोगों के साथ में केवी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि रिलेटेड है हेयर केयर से, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही थी और मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। गाइस, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ विश केयर का फर्मेंटेड राइस वाटर कंडीशनर। तो गाइस, बेसिकली ये एक कंडीशनर है का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है फर्मेंटेड राइस वाटर। तो गाइस, राइस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइस जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक राइस में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। तो गाइस, मैं अपने लिए कोई अच्छा सा कंडीशनर फाइंड कर रही थी जो कि मेरे बालों के लिए अच्छी हो। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, परचेस करने से पहले मैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक किया एंड गाइस, आई एम अमेज्ड कि इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट थे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर किया, यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको ब्रांड के बारे में बता दूँ। तो ये जो ब्रांड है ये है विश केयर एंड ये जो ब्रांड है ना, इनके बारे में जब मैंने जाना, सुना, समझा तो इनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन केयर, हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेकंड थिंग है वो है यू विश वी केयर, यू विश वी केयर, ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। थर्ड थिंग की इनकी रिसाइकल पैकेजिंग होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड ये सारे ना नेचुरल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। बात कर लेते हैं हम इसमें कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की रहती है एंड यहाँ पे हमें पंप दिया होता है जहाँ से प्रोडक्ट निकल के आता है एंड ये पंप वाला सिस्टम मुझे किसी भी प्रोडक्ट में होना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई लव दिस ऑल्सो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है फर्मेंटेड राइस वाटर जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में इसमें है विटामिन ई, विटामिन ई हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में जो है इसमें है एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट, फेनोग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट, मेथी दानों के एक्सट्रैक्ट, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इसके बाद इसमें सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो गाइस, जब ये इतने सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है तो ये हमारे बालों में अच्छा इफ़ेक्ट कैसे नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है कि देगा। तो इसे मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी और इसका लाइव रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। गाइस, राइस वाटर जो होता है वो हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड साथ में ही हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। लाइक अगर हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी से रहते हैं ना, तो हमारे बालों को सॉफ्ट बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइस वाटर। हमारे हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, हमारी हेयर लेंथ को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइस वाटर। सल्फेट नहीं है, पैराबेंस नहीं है, सिलिकन नहीं है, नेचुरल से मिलकर बना है और केमिकल फ्री है। तो गाइज, अगर आप भी कोई अच्छा सा कंडीशनर फाइंड कर रहे हैं तो आप ये वाला कंडीशनर ट्राई कर सकते हो अपने बालों के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड गाइज, आई होप कि आप भी इसे ट्राई करना चाहोगे। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो एंड ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कंडीशनर को भी नॉर्मल कंडीशनर की तरह ही हमें यूज़ करना है, पहले शैम्पू करना है, फिर उसको वॉश कर लेना है, उसके बाद में इसके कुछ पंप लेने हैं। लाइक 3 से 4 पंप लेके आप गीले बालों में इसको अच्छे से अप्लाई कर लो, अपने हेयर के लेंथ पे अप्लाई कर लो, रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आप इसे रखो 10 से 15 मिनट और नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश कर लो। गाइस, वॉश करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला ना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंडीशनर एंड आई लव दिस। सो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे को और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।